हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि जब भी हम फार्मा होलसेल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करते हैं या सीएनएफ बिजनेस करते हैं तो क्या रियलिटी होती है और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। जो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन रहती है वो यही रहती है कि जो होलसेल बिजनेस शुरू करने का सबसे इजीएस्ट मोड है, आप किसी एमएनसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में काम करेंगे, वो आपको ऑर्डर ला के देंगे, वो आपको पेमेंट ला के देंगे और आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलेगा जितना आप पेमेंट इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो जितने भी नॉन फार्मा होते हैं बेसिकली, जिनको होलसेल के बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन मोस्टली रहती है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में होलसेल बिजनेस सबसे इजीएस्ट वे है बिजनेस शुरू करने का, जो सबसे कम रिस्की भी रहता है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो होलसेल बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है फार्मा में, वो सबसे कॉम्पिटिटिव बिजनेस में से एक है और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पेमेंट के मरने का या पेमेंट के वापस ना आने का सबसे बड़ा रिस्क रहता है। तो अगर आप टोटली सेल्स टीम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप टोटली बिल्कुल सेल्स टीम पे ही डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो अपनी सेल को ज्यादा दिखाने के लिए, ऑर्डर को बढ़ाने के लिए, वो अपने ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी है उनको ऑर्डर थोड़ा कम मिला होता है वो जाके ज़्यादा बता देते हैं कि आप इतना सप्लाई कर दो, या कभी कभी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कुछ ऐसी पार्टियाँ होती है, ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी पेमेंट बहुत खराब होती है, तो उनके ऑर्डर वैसे तो आपको अवॉइड करने चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनको सप्लाई कर दोगे, क्योंकि पेमेंट की जो बाउंडेशन है, जो पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ही रहेगी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तो केवल आपको ऑर्डर ही ला के दे सकते हैं, आपको सप्लाई करना और पेमेंट कलेक्शन करना तो आपका ही काम रहता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, पेमेंट के रिस्क को मैंने मिनिमाइज करने के लिए, और आपको पता होगा अगर आपको मार्केट की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा कि कहाँ पे माल देना है, किन पर्सनों को माल देना है, किन रिटेलर्स को माल देना है, किनको नहीं देना है, कौन रिटेलर किस लिमिट में आता है, कितना ऑर्डर वो दे सकता है, कितनी कैपेसिटी उसकी है पेमेंट मंथली करने की, वीकली करने की, तो उसके हिसाब से ही आप उनको सप्लाई करेंगे। अगर आप टोटली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे ही डिपेंड रहेंगे तो आपको काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। अगर हम दूसरी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस है, आपके पास फाइनेंस है, आप बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको इजीली किसी एमएनसी फार्मा कंपनी की या किसी दूसरी फार्मा कंपनी की एजेंसी मिल जाएगी जहां से आप एक सर्टेन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा सकते हो। पर अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में फाइनेंस होना या होलसेल ड्रग लाइसेंस होना किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहता है कि वहां पे उनका पहले कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। किसी भी कंपनी के मामले में, चाहे वो जेनिक काम करती है या फिर वो ब्रांडेड में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मार्केट में काम करती है या फ्रेंचाइजी बेसिस पे काम करती है, किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर है तो सबसे बड़ा जो फैक्टर वहां पे डिपेंड करता है, उनका वहां पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, या वो वहाँ पे कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को शिफ्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये फैक्ट बड़ा मैटर करता है जब भी आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेने जाते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्टली जो कंपनी की सेल्स टीम होती है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन देने में, होलसेल देने में किसी कंपनी की। तो अगर आपके सेल्स टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो फिर आपके लिए वो इजी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लेना। लेकिन अगर आप सेल्स टीम को ही नहीं जानते, फार्मा में आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपके लिए किसी एमएनसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे फ्रेंचाइजिंग कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन मिलना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उनके पास कई डिविजन्स होती है, और अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको वो इजली मिल जाएगी। जेनरिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी आसान होती है, तो वहां से भी आप गूगल पे सर्च मार के वहां पे भी कंपनी को फाइंड आउट करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इजली मिल जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी कंपनियों से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बहुत सारी कंपनियों की आपके पास लिस्ट भी आ जाती है, वहां से आपको अपने लिए बेस्ट कंपनी जो पॉसिबल हो सकती है उसको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कंपनियों की बात करते हैं जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लगाती है, तो वहां पे आपको उनकी सेल्स टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी आप इजीली उन कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। अब अगली एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं, जो है कि होलसेल बिजनेस में एक हाई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है। अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो फार्मा बिजनेस में होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आते हैं।
वैसे तो सभी बिजनेस कम्पिटेटिव है, मैनुफैक्चरिंग भी कम्पिटेटिव है, मार्केटिंग भी, रिटेलिंग भी, हर चीज कम्पिटेटिव है, लेकिन कंपेयर करें अगर हम सीज से, मैनुफैक्चरिंग से, मार्केटिंग से, रिटेलिंग से, तो डिस्ट्रीब्यूशन उन सब में सबसे ज्यादा कम्पिटेटिव है। और जब कम्पिटिशन आ जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके मार्जिन इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये केवल छोटी कंपनियों के केसेस में नहीं होता, अगर आपके पास एमएनसी कंपनीज भी है तो उनमें भी बड़ा कम्पिटिटिव होता है। अगर आपका उस एरिया में एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है फिर तो और ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है। अगर नहीं भी है तो भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे आपके जो मेजर सिटीज है आसपास, उनसे जो अंडरकट होता है, जो मटेरियल बाहर से आता है वो कम रेट पे आता है, कैसे आता है कैसे नहीं आता किसी को नहीं पता होता, लेकिन उनसे भी आपका कंपटीशन होता है, तो वो भी आपके प्रॉफिट और मार्जिन को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। अगर आप भी होलसेल से जुड़ी हुई कोई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।